बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर इस चैनल में और इस लेक्चर में आपको वेलकम। इस लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। अभी वो है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज है 6.1। कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम एंड रिकंसिड पॉलीगॉन फॉर द फॉलोइंग डाटा शोइंग पेयर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन किलोग्राम। तो ये टेबल है जो कि डाटा शो करता है, जिसमें पेयर्स की इंटरवल्स और उसमें ट्राई करने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसका फ्रीक्वेंसी रहते हैं वो गिवन है। 20 से 24 किलोग्राम वेट के स्टूडेंट्स हैं 5। फिर इसके बाद 25 से 29 किलोग्राम के स्टूडेंट्स हैं 8 एंड सो ऑन। ये पूरा डाटा हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसके लिए पहले हम ड्रा करेंगे हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में हमने रेक्टेंगल्स ड्रा करनी होती है जो कि है बिटवीन क्लास बाउंड्रीज एंड फ्रीक्वेंसी। क्लास बाउंड्रीज के लिए ये जो क्लास इंटरवल गिवन है, इनमें लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 माइनस कर लें और अपर क्लास लिमिट में 0.5 प्लस कर दें। ये तो अब लोअर क्लास लिमिट 20 थी, उसमें से 0.5 माइनस किया, बन गया 90.5। और अपर क्लास लिमिट थी 24, इसमें 0.5 ऐड कर दिया, 24.5 आ गया। ये इसी तरतीब से आगे क्लास बाउंड्री ड्रा करते जाएं। ये बच्चों क्लास बाउंड्री की जरूरत क्यों होती है, ये मैं वजह इसकी बता देता हूँ। हिस्टोग्राम जो होती है वो एडजेसेंट रेक्टेंगल्स का ग्राफ होता है, यानी उसमें एक रेक्टेंगल और नेक्स्ट रेक्टेंगल के दरमियान गैप नहीं होता, साथ साथ खाई होती है, एडजेसेंट होती है। अब क्लास बाउंड्री की जरूरत इसलिए है कि ये देखिए, ये इंटरवल जो है इसकी अपर क्लास लिमिट खत्म हो रही है 24 पर और नेक्स्ट इंटरवल स्टार्ट हो रहा है 25 से। अब 24 और 25 में एक का गैप आ गया, बाद का गैप, इसका मतलब है कि रेक्टेंगल साथ भी मिलेंगी, इसलिए गैप खत्म करने के लिए अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड कर लें और लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 माइनस। अब इसके बाद देखिए कि ये फर्स्ट इंटरवल खत्म हुआ है 24.5 और नेक्स्ट जो है वो 24.5 ही से स्टार्ट हो गया, दरमियान में गैप खत्म हो गया और अब जो रेक्टेंगल बनेगी वो बिल्कुल साथ साथ मिलेंगी। तो नेक्स्ट फिर हिस्टोग्राम बनाते हैं अब आपके सामने स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपने ड्रॉ कर लिया वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के अलावा हम शो करेंगे फ्रीक्वेंसी और एक्स एक्सिस के अलावा आएगा क्लास क्वांटिटीज, ये मार्क कर दिया। और अब फ्रीक्वेंसी जैसे कि हमने टेबल में देख लिया था, उसकी वैल्यू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की 22 है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखते हुए आपने स्केल बनाना है वाई एक्सिस के अलावा, ताकि 22 जो आपने ड्रॉ करनी है फ्रीक्वेंसी शो करनी है वो विद इन ग्राफ लोकेट हो। मैं इक्वल इंटरवल्स के बाद अब 11th लाइन ड्रॉ करूंगा और एक लाइन फिर जो हो जाएगी 2 के इक्वल। आपने ये इक्वल स्पेस के बाद मार्किंग कर ली और अब 1 डिवीजन 2 को शो करेगी। नंबर एक साथ लिखते हैं, ये यहाँ पर हो जाएगा 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 24। और एक बात ध्यान में रखें कि ये जो डिवीजन हैं इनके दरमियान स्पेस इक्वल होनी जरूरी है। आप देख लें कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, उस हिसाब से इसकी डिवीजन आप कर सकते हैं। और यहाँ हम ड्रा कर रहे हैं क्लास बाउंड्रीज, फर्स्ट क्लास बाउंड्री जो आपने लिखनी है, तो वाई एक्सिस थोड़ी जगह छोड़कर इनके दरमियान भी स्पेस इक्वल होनी जरूरी है। आप 2 सेंटीमीटर कर लें या 1 सेंटीमीटर कर लें, ये स्पेस जरूरी है। तो फर्स्ट जो क्लास इंटरवल था 19.5 to 24.5, इसकी फ्रीक्वेंसी है 5। ये रेक्टेंगल हमने शो की है जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 के इक्वल है।
उसके बाद जो 24.5 to 29.5 है उसकी फ्रीक्वेंसी है 8, ये देन फ्रीक्वेंसी है 13 जो कि 12 और 14 के सेंटर में आ गई, फिर 22 34.5 to 39.5 फ्रीक्वेंसी इसकी थी 22, देन इसके बाद फ्रीक्वेंसी 15, 10 और लास्ट जो इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी है 8। अब हम फ्रीक्वेंसी के नंबर ऊपर शो कर लेते हैं, पहले की 5, 8, 13, 22, 3, 10 और 8। और फिर जो भी आप हिस्टोग्राफ बनाते हैं उसका टाइटल लिखना कंपलसरी होता है बच्चों, तो ये टाइटल इसका बनेगा हिस्टोग्राम शोइंग द डिटेल ऑफ डेट्स ऑफ स्टूडेंट्स, और ये जस्ट एक टेबल आपको दोबारा यहाँ डिस्प्ले किया गया है, आपने ये टेबल दोबारा नहीं बनाना, सिर्फ एक ही दफा बनाना जो पहले पेज पर आ गया था, तो वो चूंकि यहाँ पेज शो नहीं हो रहा था इसलिए मैंने ये दोबारा यहाँ पर जो कर दिया है, थोड़ा सा वाई जो है नीचे आगे चले, यानी ये इंटरवल आपके सामने नजर आ रहे हैं, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट बनाकर इसको डिटेल के साथ एनालाइज कर सकते हैं, सामने से टेबल की रीडिंग पढ़ लें और यहाँ से उसकी हिस्टोग्राम की वो शेप देख लें। और अब इसका क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है जिसमें हमें ड्रा करनी है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन बेसिकली ग्राफ होता है मिड पॉइंट्स और फ्रीक्वेंसी के दरमियान, सारा डाटा वही है। ये देखें फर्स्ट इंटरवल दिया हुआ था 20 से 24, जब आपने पॉलीगॉन बनानी है तो उसके लिए एक स्टार्ट में इंटरवल और एक लास्ट में एडिशनल इंटरवल शो करने होते हैं, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी हमने जीरो शो करनी है, क्योंकि हमने इसको एक्स एक्से के साथ ग्राफ को ज्वाइन भी करना होता है, एक्स एक्से पर फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, इसलिए जो आपने हिस्टोग्राम में क्लास इंटरवल ड्रा किए थे उसमें स्टार्ट में एक एडिशनल इंटरवल ले लें और लास्ट में एक एडिशनल इंटरवल ले लें। बच्चे इसके बाद मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला होगा लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट इक्वल्स टू जो आंसर आया इसको 2 से डिवाइड कर लें, जैसे 15 प्लस 19 इक्वल्स टू आ जाएगा 34, 34 डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये आ गया 17, और ये आ जाएगा 20 प्लस 24 इक्वल्स टू 44 डिवाइडेड बाय 2 22। इस तरह ये सारे इंटरवल्स के हमने फाइंड कर लेने हैं मिड पॉइंट्स, ये लीजिए जी। और चूंकि फर्स्ट इंटरवल हमने खुद ड्रा किया है जिसकी फ्रीक्वेंसी जीरो है और लास्ट इंटरवल इसकी फ्रीक्वेंसी भी जीरो आएगी, ये डाटा भी नहीं मौजूद था, तो ग्राफ ड्रा करते हुए हमारी रिक्वायरमेंट होती है ये दो इंटरवल्स की, जब पॉलीगॉन ड्रा आपने प्लॉट करनी है। अब एक बार फिर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग ड्रा की जाएंगी फ्रीक्वेंसीज, उसी तरह जिस तरह भी आपने हिस्टोग्राम से पहले बनाई है और इनमें एक रीजन को आपने 2 के इक्वल कर देना है, तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएंगी 22, और ये मैंने शो कर दिया ये फ्रीक्वेंसी को शो करता है एक्सेस, और इधर आ जाएगी अब मिड पॉइंट्स इक्वल स्पेस के बाद ये पॉइंट्स मार्क करते हैं आप, दीज आर मिड पॉइंट्स। अब फर्स्ट जो इंटरवल है उसमें मिड पॉइंट की वैल्यू है 17 और फ्रीक्वेंसी थी 0, ये फर्स्ट पॉइंट हमने शो कर दिया यहाँ पर। उसके बाद सेकंड पॉइंट में मिड पॉइंट की वैल्यू है 22 और फ्रीक्वेंसी है 5, इसी तरह नेक्स्ट इंटरवल जो है
पॉइंट की वैल्यू 27 और फ्रीक्वेंसी है 8, फिर 32 और इसकी फ्रीक्वेंसी 13, नेक्स्ट की फ्रीक्वेंसी है 22 और इसके बाद मेन पॉइंट है 42 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 15। ये हमने लास्ट जो था इंटरवल उसकी 8.57 हजार, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। अब इन्हीं पॉइंट्स को फ्री हैंडेड ज्वाइन कर लेना है। ये टाइटल इसका आ गया, बाद में भी लिख सकते हैं। ये आपने इन पॉइंट्स को फ्री हैंड ज्वाइन करना है, बिल्कुल ये जैसा फिगर शो हो रही है। ये बहुत स्ट्रिक्ट एक पॉलीगॉन प्लॉट हो चुकी है। कोशिश करें कि इनमें कर्व्स ना बने, अलग अलग पोर्शन ना आए, बल्कि पूरे पॉइंट्स को जो आपने मिलाया हुआ है वो सिमेट्री होनी चाहिए उनमें। और ये एक बार फिर मैं इंटरवल शो कर देता हूँ। ये आप पहले से जो दिया हुआ था वो भी दोबारा रीड आउट कर सकते हैं। इसके साथ ही ये पॉलीगॉन बनाने का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है स्टेप बाय स्टेप जैसे एक्सप्लेन किया है आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।